और भगवान ने सबकी इच्छाएं पूरी कर दी। गायें चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे थनों का दूध अपने मुख से पिए। अपने मुख से तो पिया नहीं जाता, गाय लात मार सकती है, बगी लगी मक्खी लगी लात मार सकती है। तो गायों की इच्छा थी कि काश कृष्ण हमारे थन का दूध पीते सीधा, जैसे बछड़े पीते हैं ऐसा। और गोपियों को ये लगा कि काश ये हमारे पति होते, इतने सुंदर, इतने मनोहारी, इतने चंचल, इतने गुणवान, इतने रूपवान, इतना अलौकिक स्वरूप। तो जो ग्वाले थे उसी रूप में भगवान ने उतने ग्वाले रूप बना दिए, और उसी एक साल में केवल शादी का योग था, बाकी 12 साल तक आगे ब्रज में पत्रा में शादी का योग ही नहीं था। तो घर वालों ने सोचा जल्दी जल्दी बेटा बेटियों की शादी कर दो, 12 साल तक तो बच्चा बड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये ग्वाले बने, तो इनके साथ शादी हुई, तो शादी हुई तो सबको उनको उसका स्पर्श सुख मिला। तो भगवान ने एक इस लीला से ही सबको आनंदित कर दिया। अच्छा, जो माताएं थीं उनको बड़ी भीतर भीतर एक उत्सुकता थी कि जैसे कन्हैया यशोदा मैया की गोद में लिपटते हैं, उनके कंठ से लगते हैं, वो दुलार करती है, वो चूमती है, काश ये हमारे बालक होते, हमारे गर्भ से आते, हमारी गोद में होते। तो भगवान बालक बने, छोटे ग्वाले थे, तो उन माताओं को वात्सल्य सुख मिला भगवान के। भगवान ने सबको संतुष्ट किया है, और जो सबको संतुष्ट करे वही भगवान है, और जो किसी को भी न कर पाए वही इंसान है। इनके लिए कछु कर देओ जे ना कबू खुश होंगे, कहते कि नहीं कहते। इनके लिए चाहे बिक जाओ, चाहे मर जाओ, चाहे कछु कर लो, जे ना राज। तो जो सबको संतुष्ट करता है वो भगवान है, और जो किसी को नहीं कर पाता वही इंसान।